नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कलश में जब हम पूजन करते हैं तो वहां पंच पल्लव रखने का विधान आता है, जिसमें हम आम के पत्ते रख देते हैं। परंतु मात्र आम के पत्ते रखने का ही विधान प्राप्त नहीं होता है, और भी कई सारे वृक्ष हैं जिनके पत्ते रखे जा सकते हैं, परंतु मनमुखी पत्ते नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कौन कौन से पत्ते विहित किए गए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर। शास्त्र कहते हैं, अश्वत्थो दुंबर प्लक्ष चूतन्य ग्रोथ पल्लवा पंचपत्रा इति ख्याता सर्व कर्म सुशोभना। अर्थात पीपल, गूलर, पलाश, आम और वट वृक्ष। पीपल आप सब जानते हैं, पीपल क्या होता है। गूलर, जिसे औदुम्बर भी कहा जाता है और उमर भी कहा जाता है। तो गूलर, उमर और औदुम्बर, ये तीनों एक ही वृक्ष हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा पलाश, पलाश के पत्तों का भी प्रयोग कलश में किया जाता है। आम, आम के पत्ते तो जन सामान्य को भी पता है कि कलश में पंच पल्लव में आम अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। आम के अलावा वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, बरगद के पत्ते का भी प्रयोग कलश के पंच पल्लव के स्वरूप में कर लेना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि ये जो पांच वृक्ष हैं, पीपल, औदुम्बर, पलाश, आम और बरगद, इन प्रत्येक वृक्षों के पत्ते अगर प्राप्त हो जाएं तो कलश में प्रत्येक वृक्षों के पत्ते जो हैं लगाने चाहिए। परंतु अगर प्रत्येक वृक्ष के पत्ते ना मिल पाए तो आप जो है एक वृक्ष के पांच पत्ते लगा सकते हैं। जैसे अगर पांचों वृक्ष नहीं मिल पा रहे हैं तो अगर आपको आम का मिल गया है तो आम को लगा देना चाहिए, बरगद का मिल गया है तो बरगद को लगा देना चाहिए, अथवा इन पांचों में से जो भी मिल जाए आपको उस वृक्ष के पांच पत्ते कलश में लगा देना चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं अशोक वृक्ष के पत्ते का भी निर्णय प्राप्त हुआ है, परंतु उसकी गणना बहुतायत नहीं की जाती है, इसलिए हम यहाँ उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। परंतु आपको उपरोक्त पांच वृक्षों में से कोई भी वृक्ष नहीं मिल रहा है तो अशोक के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु कलश में पान के पत्ते का प्रयोग नहीं करना है, अथवा अन्य किसी भी देव वृक्ष के पत्तों का भी प्रयोग नहीं करना है। कई बार हमने देखा है कि कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो मदार के वृक्ष का पत्ता जो है ले लिया जाता है। कई बार कनेर के पत्ते भी हमने देखे हैं कि लोगों ने उसका उपयोग कर लिया है। कई बार तो हमने नीम के पत्ते भी रखे हुए देखे हैं, परंतु यह देव वृक्ष हैं, पूजनीय हैं, पर इनका प्रयोग कलश के पंच पल्लव के स्वरूप में नहीं करना चाहिए। जो हमने आपको वृक्ष बताए हैं, अश्वत्थ, औदुम्बर, पलाश, आम और बरगद, इन पांच वृक्षों का ही जो है प्रयास करना चाहिए कि उनके ही पत्ते आप जो हैं कलश में उपयोग करें। आशा करते हैं पंच पल्लव से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है अथवा कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।